जब मैंने जेवलिन शुरू किया तो खुद के जुनून से मैंने शुरू किया था, कोई किसी का उस पर फिर फोर्स नहीं था। और मुझे, मैं घर से भी निकला तो मुझे फिर कभी डर नहीं लगा, मैं कभी प्रेशर नहीं लेता इस चीज़ का, मैं बस अपना स्पोर्ट्स पे फोकस करता था। और उसके करते करते अभी मेडल आ गए हैं, तो दादाजी भी यही बोलते हैं कि भाई अब हमारा नहीं रहा है नीरज, अब पूरे देश का हो गया, क्योंकि क्योंकि सिर्फ जब मेडल लेके आता हूँ सिर्फ घर वालों को खुशी नहीं होती है, पूरे देश को एक जो खुशी का माहौल होता है देश में, लोगों की हमारे ऊपर इतनी उम्मीदें हैं और हमको ये करना है, हमको गोल्ड लेके आना है, वो फिर वो माइंड में घूमता रहता है। मैं बस इतना सोच के जाता हूँ कि ओलंपिक्स के लिए सारी होप अब आप पे है जैवलिन के लिए, उससे आपको क्या फीलिंग आती है, क्या आप नर्वस हो, एक्साइटेड हो? नहीं, नर्वस नहीं है, काफी अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ एक खिलाड़ी होते हैं जिन पे लोग काफी उम्मीद लगा के बैठते हैं अपने देश के लिए और ओलंपिक्स में खासकर, तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ लोगों को उम्मीद है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है तो हम और ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं फिर। और मतलब ये जैवलिन का जो सफर है वो आपके लिए काफी कैजुअली शुरू हुआ, राइट? मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने शायद पहली बार बस जैवलिन एक उठा के मजे में ही फेंका था, तो फिर वहाँ से और फिर अब प्रोफेशनली ये कैसे हुआ? हाँ, मैं स्टेडियम में गया था तो मुझे जैवलिन का इतना पता नहीं था कि जैवलिन थ्रो भी कोई इवेंट है या गेम है, क्योंकि कोई इंडिया में कोई एथलीट ऐसा नहीं था जो जिसको हम देख सके कि भाई इसका ओलंपिक में, एशियन गेम्स में ऐसे मेडल हैं, तो काफी कम एथलीट थे जो इंटरनेशनल लेवल पे जैवलिन थ्रो में थे, तो कुछ एक थे वो, उनका इतना कुछ पता नहीं होता था। पर हाँ ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में कोई प्रोफेशनली ऐसे पता नहीं था, ऐसे ही बस ट्राई किया था, तो जो वहाँ पे जो मेरे सीनियर प्लेयर थे तो उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छा थ्रो है, तब उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया था कि भाई आप हमारे साथ ट्रेनिंग शुरू करो और काफ़ी अच्छा कर सकते हो आगे, तो तब से ही मैंने जैवलिन शुरू किया था। आपकी फैमिली में क्या कोई भी और स्पोर्ट्स के फील्ड में है? नहीं, कोई फैमिली, कोई पूरे गांव में कोई नहीं था, बस ऐसे ही मैं सिर्फ फिटनेस के लिए गया था और स्पोर्ट्स एक बस अचानक ही शुरू हुआ है मेरा भी। तो फिर मतलब जैसे यू नो स्पोर्ट्स को लेकर काफी काफी फैमिली सपोर्ट नहीं करती इनिशियली, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि यू नो स्पोर्ट्स में करियर बनाना बहुत मुश्किल है, तो आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट किस तरह किया? स्टार्टिंग में तो वो भी काफ़ी मतलब घबरा रहे थे कि भाई छोटी उम्र है और लड़का बाहर जा रहा है और पता नहीं अब कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ हमारे परिवार में या गांव में कोई है कि भाई ये गेम से या स्पोर्ट्स से अच्छा करके आगे निकला है, बड़ा है, तो वो मोटिवेट रहते हैं, लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होता है, तो कोई एग्जाम्पल नहीं था पूरे गाँव में या हमारे परिवार में, तो काफ़ी मुश्किल हुई शुरू में, लेकिन जब जैसे जैसे थोड़े दिन मुझे स्टेडियम में जाते हुए और रिजल्ट आना शुरू हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेलना शुरू किया, तो जैसे थोड़ा थोड़ा पोजीशन आती रही और मेडल लेके आया, तो वो फिर आराम आराम से उनको पता लगा कि हाँ भाई लड़का मेहनत कर रहा है, और फिर वो खुद मतलब हेल्प करने लगे। मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि शायद यू नो आपकी हवेली जो थी वहाँ पर कोई रिपेयर का काम होना था और आपके परिवार ने उस पैसे की जगह आपके लिए इक्विपमेंट खरीदा। हाँ, क्योंकि हमारा घर काफी पुराना था, अभी भी मतलब वही घर है, तो आप है कहाँ से? मैं वैसे नॉर्मली पानीपत से हूँ, हरियाणा से, और एक गाँव है मेरा खंदरा, वहाँ से मैं हूँ, तो जी घर का काम करवाना था, तो बस ऐसे ही करके कि भाई मेरा गेम चल रहा था, मुझे जरूरत पड़ती थी, तो उनने बोला था कि भाई अगर तू अच्छा करेगा कल को तो भाई तू ही बनवाना, हम तो तेरे ऊपर पैसा लगा सकते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने मतलब हेल्प की थी काफी मेरी। और मतलब आपके परिवार में कुल मिलाकर 17 लोग हैं, राइट? और आप उन सभी में से सबसे बड़े हैं, जी, तो जी। ये अक्सर होता है कि जो बड़े होते हैं पूरी फैमिली बहुत प्रेशर डालती है उन पर और उनको मतलब एक रोल मॉडल की तरह बनना होता है बाकी सबके लिए। जी बिल्कुल। तो क्या ये प्रेशर मतलब आपकी जिंदगी में हमेशा से था कि सबको दिखाना है कि कुछ? नहीं, उस टाइम तो नहीं इतना पता, क्योंकि मैं खुद छोटा था जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया, लेकिन हाँ बाद में जैसे जैसे थोड़ा नेशनल या बार एक आधी बार इंटरनेशनल में गया तो थोड़ा फील हुआ कि भाई मुझे अच्छा करना है, मतलब अपने परिवार में जो मेरे छोटे ब्रदर सिस्टर हैं उनको काफ़ी इस चीज़ से मोटिवेट मिलेगा और जो घर के घर वाले हैं वो भी वो करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे उनको आगे अगर उनको सपोर्ट करना है तो। पर यह है कि
मैं कभी प्रेशर नहीं लेता इस चीज़ का, मैं बस अपना स्पोर्ट्स पे फोकस करता था और उसके करते करते अभी मेडल आ गए हैं, तो सिर्फ खुशी इस बात की है कि सिर्फ मेरी फैमिली के ही नहीं बाकी बच्चे भी, मतलब उनको भी मैं एक मोटिवेट कर पा रहा हूँ। हाँ, और अब हम थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से फन टाइप के। तो मतलब जब आप ट्रेन कर रहे होते हो तो वो कौन सा गाना है जो आप बार बार लूप पे सुनते हो? काफ़ी गाने होते हैं पर मैं हरियाणवी, ज़्यादातर हरियाणवी सुनता हूँ। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? हरियाणवी गाना है जैसे देसी देसी ना बोले अगर सॉरी। आप उसके दो दो लाइन गा सकते हैं हमारे? नहीं गा तो नहीं सकता, मेरा सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो गाना मैं काफ़ी सुनता हूँ। ठीक है, और आपके सबसे फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस क्या है? आप बॉलीवुड मूवीज का शौक रखते हो? कभी कभी देखते हैं, और मुझे अगर हाँ जी बॉलीवुड की बात करें तो अक्षय कुमार और रणदीप हुड्डा काफी अच्छे लगते हैं उनकी। और रणदीप हुड्डा क्योंकि वो हरियाणा से है? हरियाणा से, और हरियाणवी मैंने उसकी मूवी देखी है तो काफी, मतलब वो काफी अच्छे हरियाणवी बोलते हैं और अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। और अक्षय कुमार की अब तक की फेवरेट मूवी आपकी कौन सी रही? अक्षय कुमार की काफी मूवीज देखी है पर काफी मूवीज है, कोई ऐसी वो नहीं है, अभी केसरी देख के आया था वो भी अच्छी लगी उनकी। बट किसी मूवी का कोई एक डायलॉग जो आपके साथ रहा हो? ये हमने अक्सर देखा है कि काफी सारे स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होते हैं उनका एक जो लाइन होता है वो उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, तो ऐसी कोई लाइन है जो आपके? राउडी राठौर में है उनका, उनका कुछ वो मूछो बताओ देते हैं, बोलते हैं कि मैं जब भी, मेरा एक ही सपना है कि मैं जब भी मरूं और मेरे मुंह पे स्माइल और मेरी हाथ जो है मूछो बताओ दे रहे होंगे। हम सबके रोल मॉडल होते हैं ना, जिसको जिनकी जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं या इंस्पिरेशन लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा कौन सा रोल मॉडल था जिसको आपने देखकर मतलब अपनी इंस्पिरेशन ली? जी स्पोर्ट्स में तो मेरे सीनियर हैं जिनके साथ मैंने जो जेवलिन शुरू किया, लेकिन अगर घर की बात करें स्टार्टिंग से ही बचपन से ही जो मेरे सबसे छोटे अंकल हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरे, वो शुरू से ही मतलब एक छोटे भाई की तरह मुझे समझाते आए थे क्योंकि मैं उनके काफ़ी टच में रहा हूँ, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये मेरे बड़े भाई का लड़का है या ऐसे, उन्होंने हमेशा एक अपने छोटे भाई की तरह मुझे रखा और वो काफ़ी मतलब एक रोल मॉडल है मेरे लिए और काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करके। बट स्पोर्ट्स की फील्ड में अदर इवेंट्स में जैवलिन से छोड़कर और मतलब आपके लिए कौन से आइकन्स या रोल मॉडल्स रहे हैं जिनको देख के आपने अपना सफ़र शुरू किया? जैवलिन मतलब मैंने अगर जैवलिन की बात करूँगा मैं, क्योंकि जब मैं शुरू की थी जैवलिन तो मैं सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देखता है जैन जलेजनी की, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो चेक रिपब्लिक से हैं, तो उनके थ्रू शुरू से ही मुझे काफ़ी पसंद है देखना, तो काफ़ी मतलब वो वीडियोज़ मैं बार बार रिपीट करके देखता रहता था, तो एक थ्रो अगर जैवलिन थ्रो के माध्यम से देखे तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट उनसे होता हूँ मैं। और अगर इंडिया की बात करें कि भाई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और अगर मेडल देखे तो एक अकेले सुशील कुमार ऐसे हैं जिन्होंने दो बार जो है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है और दो ओलंपिक मेडल है, अकेले वो खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल में दो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो काफ़ी वो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी। और मतलब जब आपने पहली बारी उस जैवलिन को उठाया एंड ऑल्दो वो मतलब उस टाइम आपने ये सोचा नहीं था, बट आपने ये कहीं बोला था कि उससे आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा रेज हुआ, तो आपको मतलब क्या फीलिंग आई थी पहली बार जब आपने जैवलिन उठाया था? जब मैंने पहली बार थ्रो किया था तो एक जो नॉर्मली डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है स्टार्टिंग में, और जो मेरा था वो काफ़ी ठीक था फर्स्ट टाइम जैसे हम ट्राई करते हैं, तो मुझे तो इतना पता नहीं था कि भाई कैसा है, लेकिन जो बाकी के जो सीनियर थे उन्होंने बताया कि भाई काफ़ी अच्छा है ये डिस्टेंस एक स्टार्टिंग में जो प्लेयर शुरू करता है, तो उसी टाइम रियलाइज हुआ था। अब आपको जैवलिन थ्रो करते हुए कितना टाइम हो गया आपको ट्रेनिंग करते हुए? मैंने 2011 फरवरी में शुरू किया था। और आप तब कितने साल के थे? उस टाइम मैं 13-14 साल का था, मतलब 8 साल तक हो गया मुझे जैवलिन करते हुए, टाइम 13-14 ऐसे ही कोई एज थी। और आप पहली बार घर से दूर कब गए थे? उसी टाइम चला गया था जी, 2011 में चला गया था, क्योंकि हाँ क्योंकि घर से स्टेडियम में आने में काफ़ी टाइम लगता था, लिफ्ट वगैरह लेके आना पड़ता है या बस से आना पड़ता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और टाइम भी काफ़ी लगता था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उधर पानीपत ही रूम लेके अपने सीनियर्स के साथ वहीं पर रह लूँगा,
तो उसी टाइम जब शुरू किया था तो छोटा था, जब भी बाहर रहने लगा। और मतलब 13 साल की उम्र पे घर से दूर रहना, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? क्या आप कभी सोचा था कि मैं एक दिन बस भाग के छोड़ के वापस चले जाऊँ? नहीं, वो बिल्कुल शुरू में जब मैं फिटनेस के लिए जाता था तब थोड़ा फील होता था कि यार, क्योंकि मेहनत करते हैं तो काफ़ी थकावट भी होती है और शरीर बॉडी में पेन भी होता है, तो मैं सोचता था कि यार नहीं, आज नहीं जाऊँगा ऐसे कट मारने के। लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो कोई ज़बरदस्ती आपको करवाना चाहे तो आप एक अच्छे लेवल पे नहीं कर सकते, वो आपके अंदर से आवाज़ आएगी और आपका खुद का जुनून होगा। लेकिन जब मैंने जेवलिन शुरू किया तो एक खुद के जुनून से मैंने शुरू किया था, कोई किसी का उस पर फिर फोर्स नहीं था। और मुझे, मैं घर से भी निकला तो मुझे फिर कभी डर नहीं लगा। मैंने किया है तो सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने पूरे अपने सच्चे मन से किया, इसीलिए आज यहाँ पे हूँ। स्टार्टिंग में होता है लेकिन बाद में आपको अपने मन से करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है एक अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हैं। और अब आप घर कितना जा पाते हो आज की डेट में? काफ़ी कम जा पाता हूँ, क्योंकि जब गेम शुरू होते हैं तो हमारे कैंप लगभग बाहर ही रहते हैं, यूरोप में या दूसरी कंट्रीज में, तो कम से कम भी कई बार तो 10-11 महीने या एक साल भी हो जाता है घर पे नहीं जा पाता। लेकिन कभी कभी अगर मैं इंडिया में हूँ तो 2-3 महीने में एक बार चला जाता हूँ। और आई थिंक ये कोई इंटरव्यू था जहाँ आपने बोला था कि एक साल था जब आप शायद घर सिर्फ 4-5 घंटे के लिए गए थे, और तब आपकी दादी टीवी पे देख रही थी आपको और उन्होंने बोला कि अब ये सिर्फ हमारा चोपड़ा नहीं बट देश का चोपड़ा बन चुका है। जी, मेरी दादी जी तो काफी साल पहले जब मैं स्पोर्ट्स भी नहीं शुरू किया तो भगवान को प्यार हो गए थे। लेकिन मेरे अंकल हैं छोटे वाले और जो पापा हैं वही बोलते हैं, दादाजी भी यही बोलते हैं कि भाई अब हमारा नहीं रहा है नीरज, अब पूरे देश का हो गया। क्योंकि सिर्फ जब मेडल लेके आता हूँ सिर्फ घर वालों को खुशी नहीं होती है, पूरे देश को एक जो खुशी का माहौल होता है देश में, वो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो इसलिए घर वाले भी ये बोलते हैं कि भाई अब सिर्फ हमारा नहीं है, देश का है, तो अपना देश के लिए अभी खेलो। मेरा ध्यान सिर्फ उसी पे रहता है कि मुझे जेवलिन थ्रो करना है और अपना पूरा 100% देना, और बाकी मैं कुछ नहीं सोचता कि भाई कौन क्या बोल रहा है या कोई क्या, लोग क्या बोलेंगे अगर मेरा मेडल आया ना या ना आया। तो मैं मेहनत करता हूँ सिर्फ अपना अच्छा करने के लिए और मैं उसी पे फोकस करता हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं मैं बेस्ट भी दे पाता हूँ। क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा हम प्रेशर लेते हैं किसी चीज़ का कि भाई लोगों की हमारे ऊपर इतनी उम्मीदें हैं और हमको ये करना है, हमको गोल्ड लेके आना है, वो फिर वो माइंड में घूमता रहता है। मैं बस इतना सोच के जाता हूँ कि भाई मैंने मेहनत इसके लिए की है और मुझे ये काम, मुझे जेवलिन इतना थ्रो करना है और अपना सिर्फ 100% इसमें देना है, तो वो अच्छा होता है, तो मैं इस चीज़ का कभी प्रेशर नहीं लेता। थ्रो करने के टाइम पे मतलब आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, राइट? तो आपके दिमाग में मतलब वो एक बात क्या चल रही होती है जब बस आप परफॉर्मेंस का टाइम आता है और अब आपको थ्रो करना होता है? जब हम जेवलिन लेके जब रनअप पे खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है ग्राउंड में, कितने कितने हजारों लाखों जो है ऑडियंस, मतलब सॉरी पब्लिक होती है वहाँ पे जो देखने वाले होते हैं दर्शक। लेकिन हमको 1% भी फील नहीं होता कि हम मतलब इतनी लोग चिल्ला रहे हैं या कुछ हो रहा है, बस उस टाइम अपना 100% जो है थ्रो पे फोकस होता है। वो बाद में पता चलता है कि भाई हाँ लोग इतना चिल्ला रहे थे या कोई कुछ बोल भी रहा था, क्योंकि हम जब जेवलिन लेके दौड़ते हैं तो सिर्फ पूरा 100% हमारा सिर्फ थ्रो पे कॉन्सेंट्रेट होता है। एंड आपकी कोच की आपकी जिंदगी में क्या रोल रहा है? कोच का जी एक खिलाड़ी की लाइफ में, जैसे एक खिलाड़ी की एक मेहनत होती है वैसे ही कोच की खिलाड़ी के ऊपर होती है, क्योंकि जैसे एक खिलाड़ी का सपना होता है कि मेडल लेके आना, वैसे ही कोच का भी है कि भाई हमको मेडल दिलवाना है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि भाई अपना सपना किसी और से पूरा करवाना, वो काम होता है कोच का कि भाई वो उनकी मेहनत भी उसके साथ जुड़ी होती है, तो वो काफ़ी प्लेयर की काफ़ी हेल्प करते हैं, कोच का काफ़ी बड़ा एक जो है हाथ होता है खिलाड़ी की लाइफ। तो मतलब जब इंजरी होती है ना, अक्सर ये बहुत सारे स्पोर्ट्स जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा होता है, तो मतलब आप उस इंजरी से बाहर कैसे आते हैं? आपकी ट्रेनिंग क्या होती है, आप रिकवर कैसे करते हैं? इंजरी जी देखो, खिलाड़ी का एक ऐसी चीज़ है जो मतलब काफ़ी कम खिलाड़ी इस चीज़ से बच पाते हैं, सभी कोशिश यही करते हैं कि हम अपना पूरा ध्यान लगा सकें और इंजरी से बच के रहें। लेकिन इंजरी का पता नहीं लगता कभी भी कि किस किस मोमेंट में क्या हम कर रहे हैं, किस टाइम आ जाए, पर
इंजरी आती है तो हमें एक ही चीज रखना चाहिए, बस थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बस हमको थोड़ी शांति रखनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर या फिजियो के साथ मतलब उसका ट्रीटमेंट चलवाना चाहिए। जब एक नई चीज़ शुरू करने जाते हैं तो बहुत लोग घबराते हैं और बोलते हैं ना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये शुरू नहीं कर पाएंगे, स्पोर्ट्स खेलना मतलब बहुत इसमें एफर्ट लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। तो आपका उन सब के लिए क्या मैसेज है? बिकॉज आपने ये खुद शुरू करा ना ही आपका यू नो आपका आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, बट आज जो आपने नाम कमाया है वो खुद के बल पर कमाया है, तो आपके आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखो जी, अगर बाकी गेम्स की बात करें तो आदमी को कुछ ना कुछ सोर्सेज मिल जाते हैं। अगर बॉक्सिंग या रेसलिंग करें तो काफ़ी अखाड़े या काफ़ी सेंटर है जहाँ पे आप सीख सकते हैं, लेकिन जेवलिन थ्रो एक ऐसा इवेंट है जो इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ ये था कि भाई मैंने ये शुरू किया है तो मेरी उस काम में लगन होगी थी अपने काम से जो होती है, तो मैंने सिर्फ शुरू कर दिया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं कल क्या मेरा फ्यूचर होगा इसमें, क्या मैं करूँगा। सिर्फ मुझे मेहनत करनी थी, वो मैंने अपने सच्चे मन से की। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो आपका 100% उसमें होना चाहिए और आपकी 100% दिल से मेहनत उसमें करो तो बिल्कुल अच्छा कर पाओगे आप। और आज तक के सफर में मतलब आपका सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या टफ पीरियड कौन सा था? सबसे चैलेंजिंग सबसे स्टार्टिंग का ही होता है जी सभी का मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एक लाइनिंग होती है ना वो काफ़ी डिपेंड करती है कि भाई आप स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हो तो आपके पास कैसे कोच हैं, कैसे सीनियर्स हैं। अगर वो अच्छे से आप आगे निकल जाते हैं उनमें और उसके बाद तो अपने आप रास्ते खुल जाते हैं, आपको नॉलेज आता जाता है थोड़ा थोड़ा। तो सबसे स्टार्टिंग में ही काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। और अब जबकि यू नो आपने मतलब सफलता पाई ही है और अगेन एंड अगेन आप बार बार नाम कमा रहे हैं, कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं, तो अब जब आप घर जाते हो और यू नो अपने गांव में जाते हो और लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं तो आपको आपको क्या महसूस होता है? काफ़ी अच्छा लगता है जी। पहले गांव में भी जब मैं शुरू कर रहा था तो गाँव में काफ़ी आदमी लोग ऐसे थे कि भाई क्या कर रहे हो आप, क्यों बच्चे को वहाँ पर भेज रहे हो इतनी कम उम्र में, आगे जाके बिगड़ जाएगा ये वो, क्योंकि वही है किसी का फ्यूचर देखा नहीं था गांव ने स्पोर्ट्स में। तो अभी मेडल लेके आता हूँ तो उनको भी वो भी घर पे आते हैं, घर पे आके बधाई देते हैं, तो अभी काफ़ी जो है एक अच्छा माहौल है गांव में भी, और वो भी अपने बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं। और आखिरी में मतलब जोश की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है? जोश तो जी सबसे ज़्यादा मैं तो जैसे मेरा गेम होता है तो जोश का काफ़ी काम है उसमें। जैसे ही मैं थ्रो करने जाता हूँ तो एक अपने आप अंदर से आवाज़ आती है, जैसे आपने देखा होगा थ्रो तो एक हम चिल्लाते हैं है ना, तो वो अपने आप अंदर से आती है, वो जोश काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। और बिल्कुल जी, जोश के बिना तो खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता, जोश तो बहुत ज़रूरी है। हमारे जो दर्शक हैं जोश टॉक्स के वो सब 16 से 25 साल की उम्र में हैं और बहुत छोटे छोटे शहरों और गांव से आते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस आज की डेट में ले रहे हैं, तो आप उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, तो आपको उनके लिए एक क्या मैसेज है? मेरे लिए सिर्फ यही मैसेज है कि जब भी डिसीजन लो जिसको आप अपने लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा मानते हो और जो शुरू से ही आपके साथ रहा हो उसके साथ आप बैठ के डिस्कस करो, और जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और हम इसमें आगे कर सकते हैं कुछ, और जिस चीज़ को आप दिल से पसंद करते हैं उस चीज़ में आप मेहनत करो तो बिल्कुल आप खुश रहोगे और आप ज़रूर कामयाब होगे। थैंक यू सो मच नीरज जी।